मादा ऑक्टोपस को दुनिया की सबसे महानतम माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि मादा ऑक्टोपस जितनी कोई माँ अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकती। मादा ऑक्टोपस जब अंडे पोषित करने की शुरुआत करती है, तब उसकी मृत्यु की घड़ी की भी शुरुआत हो जाती है। ऑक्टोपस मॉम अपने जीवन में सिर्फ एक बार गर्भवती हो सकती है। मादा ऑक्टोपस 4-5 महीने तक गर्भवती रहती है, फिर पानी का तापमान सही रहने पर अंडे देना शुरू करती है। एक एक करके अंडे अपने शरीर से बाहर निकालती है। यह क्रिया महीनों तक चलता है और हजारों की संख्या में अंडे निकालती है। माँ इन अंडों को एक साथ बटोरकर कई अंगूर के गुच्छे जैसी लड़ी तैयार करती है। अब ऑक्टोपस मॉम के सामने अंडों को बचाने की चुनौती है। वो समुन्दर के अंदर चट्टानों के नीचे गुफा में इन अंगूरी रूपे गुच्छों को सहेज कर रख देती है। ये गुच्छे चट्टानों में चिपके रहते हैं। अगले 6 महीने तक मॉम उस गुफा को छोड़कर कहीं नहीं जाती, यहाँ तक कि खाने के लिए भी नहीं। अगर कोई जीव जंतु उसके पास आए तो ऑक्टोपस मॉम उसे खा सकती है, पर वो ऐसा नहीं करती। शायद इसीलिए कि बचे हुए जीव जंतुओं के अवशेष और गंध बड़े समुद्री जानवरों को आकर्षित कर सकती है और उसके अंडे के लिए खतरा साबित हो सकता है। इन 6 महीनों के दौरान पहरा देने के साथ साथ वो अंडे के आसपास की सफाई और फ्रेश ऑक्सीजन युक्त पानी का बहाव भी करती है। अब अंडों से बच्चे निकलने का समय हो चुका है। अब तक ऑक्टोपस मॉम काफी कमजोर हो चुकी है, जिसका शरीर कभी लाल हुआ करता था, अब खून की कमी और लगातार थकान की वजह से शरीर मटमैला हो गया है। चमड़ी ढीली पड़ गई है और शरीर पर जख्म के निशान आ चुके हैं। अब अंडों की परत एकदम पतली और उसके अंदर बच्चे विकसित, सक्षम और स्ट्रांग हो चुके होते हैं। वे तैर सकते हैं और छोटे मोटे कीट का शिकार कर अपना पेट भर सकते हैं। और फिर एक रात सही परिस्थितियों में ऑक्टोपस मॉम अपनी सूंडों से फूंक मारकर उन्हें गुफा से बाहर कर उन्हें आजाद कर देती है। आजाद करते वक्त ऑक्टोपस मॉम ये बात जानती है कि वो क्या कर रही है। वो जानती है कि बच्चों को आजाद करने के बाद उन्हें हमेशा के लिए खो देगी। उसके जीवन में फिर कोई और मकसद नहीं रहेगा। लेकिन प्रकृति का अद्भुत खेल देखिए। ऑक्टोपस मॉम पूरी जोश के साथ फूंक मारकर बच्चों को आजाद करती है। महीनों बिना खाए थकान के बाद भी जो थोड़ी बहुत ऊर्जा बची है वो इसी में खर्च करती है। अब निश्चित है कि महीनों बाद ऑक्टोपस मॉम अब अपनी गुफा से बाहर निकलकर कुछ किलोमीटर दूर जाकर अपने प्राण त्याग देती है। यही सबूत है कि एक ऑक्टोपस के बराबर कोई माँ अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा बलिदान नहीं करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और रोज ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल माय मिस्टर्स प्लैनेट को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।